गुड मॉर्निंग बच्चों, थोड़े लेट रहते हैं यार। चले, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी क्या है, अपन डर यही लगता है यार कि बाद में अपना टाइम जब ऑफलाइन शुरू होगा तो 10 बजे ही रहेगा, फिर बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स वाले परेशान करेंगे। चले, ध्यान दे भैया। कल हमने पढ़ा था भैया, बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए भैया। लाइसोसोम हो गया, रिक्तिका वगैरह सब हो गया। अब यार ध्यान देना, आज का टॉपिक लेसन नंबर 8 चल रहा है कोशिका। कल तक के वीडियो और नोट्स पूरे डाल दिए। अब आज का जो भी है लेसन नंबर 8 ही चल रहा है अभी भी। लेसन नंबर 8 यानी कोशिका, और लेसन नंबर 8 कोशिका यानी सेल। इसमें भैया आज का टॉपिक है तारक काय। कोशिका के अंदर आपने गोल्जी का अंदर चले, इस छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे। अब भैया आज का जो टॉपिक है भैया ये है भैया, इसके अंदर तारक काय। तारक काय को कहते हैं भैया सेंट्रोसोम। किताब खरीदी नहीं खरीदी भैया, एनसीईआरटी ही चलेगी। एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में भी वही हो चुकी है, एजी वालों के, एजी बायो वालों के भी वही हो चुकी है। अब सभी एजी बायो चाहे तुम्हारे नीट हो गया, उनके फायदा उनके ही फायदा है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बिल्कुल चट कर जानी है दिमाग में। जैसे दीमक घर को खा जाती है ना, दरवाजों को, लकड़ी को, अपने को एनसीईआरटी पूरी एक एक लाइन टच होनी चाहिए। उसमें कोई समस्या हो तो भैया वो व्हाट्सएप पे कागज पे क्वेश्चन लिख करके डेली भैया 5-10 5-10 बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग यूं माने चलो कि जैसे अपने 20-22 या टोटल बच्चे तो 42-43 है, उनमें से डेली 10-15 बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वही एनसीईआरटी के हिसाब से। और आपको यूं मत सोचना कि अपन थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ रहे हैं भैया, ये ना नीट में और एम्स में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे अपने 90 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 90 बायो के आते हैं, तो 90 में से 80 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के अंदर से ही आएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन के लिए अपन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो अब देखो तारक काय आज का टॉपिक, मतलब देखो ये तारक काय जो होता है भैया केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और भैया तारक काय जो होता है, जैसे अपने ये कोशिका बनाई, इस कोशिका में केंद्रक, केंद्रक के ऊपर एक बेलनाकार संरचना पाई जाती है इस तरह से। इस संरचना का नाम है तारक काय। अरे जंतु कोशिकाओं में या गठिया पौधों में, कुछ शैवाल और कवक में, बाकी सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक के ऊपर, इसका नाम है तारक काय, या इसको इंग्लिश में कहते हैं भैया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। और इसके अंदर जो दो कण नजर आ रहे भैया तारक काय के अंदर पाए जाते हैं तारक केंद्र, और इसको कहते हैं भैया सेंट्रियोल। जंतु कोशिकाओं की विशेषता है, पादप कोशिकाओं में नहीं होता भैया, पौधों में होता है तो गठिया शैवाल कवक उसमें होता है। तो जंतु कोशिकाओं में भैया केंद्रक के ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे तारक काय या सेंट्रोसोम कहते हैं। अंदर दो कण पाए जाते हैं, इन कणों का नाम है भैया तारक केंद्र, सेंट्रियोल। और ये कण जो होते हैं भैया ये वास्तव में इस तरह से होते हैं, कण इस तरह से, वहां तो मैंने गोल बना दिए, असली में ऐसे हैं। और ये जो होते हैं भैया देखो दोनों कितने डिग्री के कोण पे, एक तो देखो सीधा एक आड़ा है, दोनों 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर तारक काय, इस तारक काय में अंदर दो तारक केंद्र एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, बेलनाकार होते हैं। और ये जो होते हैं भैया बिना झिल्ली वाले कोशिकांगे, ये इनके बाहर देखो, इनके बाहर एक आवरण बना रखा है। अरे वो तो थोड़ा ठोस द्रव्य है जिसका नाम है परिकेंद्रीय द्रव। तो यहां बता रहे भैया बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसके बाहर झिल्ली नहीं है, भले दिख रही हो लेकिन नहीं है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग। अब देखो बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, कल भी पढ़ा था, बिना झिल्ली वाले दो हैं, एक राइबोसोम और एक तारक काय सेंट्रोसोम। एक राइबोसोम एक सेंट्रोसोम तारक काय, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग। तो भैया अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देखो पहला पॉइंट क्या बताएंगे भैया, सुनना ध्यान से। अब इसकी जो खोज करता है,
इसकी खोज करी थी भैया टी बोवेरी ने। टी बोवेरी ने खोजकर्ता का नाम। फिर भैया दूसरी खास बात है, ये जो होता है भैया केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है भैया, लिखने में तो ऐसे ही आएगा भैया, केवल जंतु कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में होता है, कुछ गठिया पौधों में होता है, बाकी तो जंतु कोशिकाओं में होता है भैया। तीसरा पॉइंट भी इसमें, ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, मतलब बाहर कोई झिल्ली नहीं है भैया, बार बार याद दिला रहा हूं भैया। देखो यदि दो झिल्ली वाले पढ़ोगे तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, बिना झिल्ली वाले पढ़ोगे तो कल पढ़ा राइबोसोम, राइये तारकाय सेंट्रोसोम, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग। दो डबल झिल्ली वाले, दो बिना झिल्ली वाले, बाकी जितने भी आए एक झिल्ली वाले। तो भैया देखो खोज करता है टी बोवेरी केवल जंतु कोशिकाओं में होता है और बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है भैया, इसके अंदर खास बात। अब अगला पॉइंट, कहाँ पाया जाता है भैया? जंतु कोशिकाओं में, केंद्रक के ऊपर। तो इसकी स्थिति क्या बताएंगे भैया? स्थिति होता है भैया केंद्रक के समीप, केंद्रक के ऊपर बोल दो या केंद्रक के समीप बोल दो, ये केंद्रक के समीप भी हो गया भैया। और दूसरी खास बात है भैया, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तारक काय जो होता है, इसके अंदर दो तारक के अंदर पाए जाते हैं, सेंट्रियोल तारक काय ये वाला, अंदर दो तारक केंद्र हैं, बेलनाकार होते हैं, 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। तो यहां बताएंगे भी अगला पॉइंट, तारक काय में दो तारक केंद्र, तारक काय में दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं भैया, उपस्थित होते हैं और 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। देखो एक तो ये लंबा है, एक आड़ा है। अरे सिंपल सा बता रहे हैं, तारक काय में दो तारक केंद्र को कहते हैं सेंट्रियोल, और एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर पाए जाते भी है ये। अब पहले यहां तक की देख लो भैया, कोई दिक्कत हो तो यहां तक आराम आराम से ही पढ़ेंगे। देखो अब इसको छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूं, देखो क्या है। देखो मैंने बनाई भैया ये जंतु कोशिका, ये बनाई है भैया जंतु कोशिका, ये बनाया इसका केंद्रक, ये जंतु कोशिका का केंद्रक, और इसके ऊपर की तरफ ये पाया जाता है भैया तारक काय। और तारक काय जो होता है इसमें दो क्या पाए जाते हैं भैया? तारक केंद्र। और ये तारक केंद्र कैसे होते हैं भैया? इस तरह से तारक केंद्र ये बनाए भैया 90 डिग्री पर होते हैं, इसके बाहर की तरफ चाहे तो अपन असली में झिल्ली नहीं होती भैया, ऐसे बनाएंगे अपन। तो भैया देखो जंतु कोशिका में केंद्रक के ऊपर तारक काय, तारक काय के अंदर क्या है भैया? दो तारक केंद्र सेंट्रियोल, कितने डिग्री पर पाए जाते हैं? 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। यहां तक देख लो भैया कोई समस्या हो तो। और ये जो तारक केंद्र पाए जाते हैं ना, इसके बाहर भी है ये जो रंगहीन भाग होता है, ये रंगहीन भाग होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोस्फीयर, रंगहीन भाग होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर नाम है भी है इसका, या परिकेंद्रीय द्रव, या इसका नाम है परिकेंद्रीय द्रव। अरे बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है तो केवल द्रव होगा, बस देख लो भैया नजर दौड़ा दो यहां तक, कोई दिक्कत हो तो। भैया देखो कोशिका के अंदर आज का टॉपिक है तारक काय सेंट्रोसोम, और बताया भैया देखो यहां पर खोजकर्ता का नाम क्या है, तो ध्यान देना भैया इसके अंदर।
एक बार फिर सुनो भैया, मैंने सोचा किसी बच्चे का अभी आवाज नहीं आ रही है, सुन लेना भैया ध्यान से। आज का टॉपिक है कोशिका में तारकाय सेंट्रोसोम। खोजकर्ता टी बोवेरी, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर बताया गया बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, बाहर कोई झिल्ली नहीं होती है। फिर बताया गया स्थिति कहें जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप, ये केंद्रक के समीप। फिर इस तारक काय के अंदर दो कण पाए जाते हैं, दो तारक केंद्र, सेंट्रियोल। इस तारक काय का डायग्राम बनाया भी इस तरह से देखो आप, बिना झिल्ली वाला कोशिकांगे, खोजकर्ता टी बोवेरी, जंतु कोशिकाओं में होता है। बिना झिल्ली वाला कोशिकांगे देखो, तो बाहर कोई झिल्ली नहीं है भैया, बाहर रंगहीन भाग है जिसका नाम है सेंट्रोस्फीयर या परिकेंद्रीय द्रव। परिकेंद्रीय द्रव है और अंदर ये दो कण पाएंगे जो गोल कण है, वास्तव में ऐसे भी बेलनाकार, देखो इस तरह से ये बेलनाकार कण बताया भी हमने, ये बेलनाकार। और कितने डिग्री पर है भैया, ये 90 डिग्री पर। अब ये जो तारक केंद्र पाए जाते हैं भैया, ये तारक केंद्र, इसको 90 डिग्री, भाई ये जो तारक केंद्र दिखा ना, दो में से एक, इसके अंदर की संरचना पढ़ने जा रहे हैं अपन। अंदर की संरचना कैसी होगी वो समझना आप। जब इस तारक केंद्र जो होता है भैया, इस तारक केंद्र को अपन 90 डिग्री पर काटेंगे, या इस तारक केंद्र के अंदर क्या होगा वो समझना भैया। इस तारक केंद्र का हम पढ़ने जा रहे हैं भैया अनुप्रस्थ काट। देखो माना कि ये तारक केंद्र, ये पेन है, इसको 90 डिग्री पर काटोगे अनुप्रस्थ काट, लंबाई में काटोगे लंबवत काट, दो ही काट चलते हैं, लंबाई में काटोगे लंबवत काट, ये तो अपन यूं काटेंगे अपने आप को लंबवत काट, और यदि आड़ा काटे यूं अनुप्रस्थ काट। इस तारक केंद्र का अनुप्रस्थ काट ले रहे हैं, अच्छी तरह गौर करना भैया। देखो इसका अनुप्रस्थ काट कैसा होगा वो समझना भैया, ये इस तरह से बताया। अब देखो किस तरह से होगा वो समझने वाली बात है भैया। अब देखो यहां से तारक केंद्र गोल दिखाई दे रहा है। अब इसमें परि देखो, बीच में तो केवल एक ही तंतु पाया जाता है भैया, बीच में एक ही तंतु होता है ये। इस तारक केंद्र को 90 डिग्री पे काटा अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट बना रहे हैं, बीच में एक तंतु है और परिधि पर 9 स्थानों पे तंतु होंगे। तो ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 9 स्थान बना दिए भी मैंने, देखो 9। और परिधि पर 9 स्थानों पर तंतु पाए जाते हैं, किसके अंदर, तारक केंद्र के अंदर, केंद्र में एक, परिधि में 9। और जो परिधि पर होते हैं भैया, देखो ध्यान देना भैया, देखो ये पहला तंतु बना रहे, देखो इस तरह से ध्यान देना, गौर करना भैया, इस तरह से परिधि वाले तंतु में भी 3 नलिकाएं होती है, 3 नलिकाएं हर जगह पर ऐसा ही बनाएंगे। देखो यहां पर ये दूसरा बना रहे, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, फिर ये तीसरा बना रहे, देखो यहां पर ये एक, ये दो, ये तीन, फिर ये चौथा बनाएंगे भी इसके अंदर भी, ये एक, ये दो, ये तीन, फिर यहां बनाएंगे भी आप पांचवा, ये एक, ये दो, ये तीन, फिर ये छठा बनाएंगे यहां पर भी, ये एक, ये दो, ये तीन, फिर सातवां बनाएंगे, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, फिर आठवां बनाएंगे, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, फिर नवा बनाएंगे, देखो यहां पर ये एक, ये दो, ये तीन, मतलब 9 स्थानों पर तो परिधीय तंतु है, 9 स्थानों पर परिधीय तंतु, यानी इनका नाम क्या रखेंगे भैया, ये 9 परिधीय। अरे परिधि पर कितने स्थान है भैया, देखो तारक केंद्र बता रहे, दोनों में से एक का अंदर की संरचना, केंद्र में तो एक ही तंतु, देखो एक केंद्र में एक है, परिधि पर 9 है तो 9 परिधीय। प्रत्येक में कितनी नलिका है भैया, देखो प्रत्येक में नलिका होती है, ये मान ली भैया ए, ये मान ली बी, ये सी, हर किसी में ऐसे ही होता है भैया, ये ए, ये बी और ये सी, सब में ऐसे ही बताएंगे, सब में ये बताएंगे भैया ए, ये बी और ये सी,
सब में सेम बताएंगे भैया, देखो इसमें कोई अलग से स्पेशल चीज नहीं है, सब में सेम टू यू। अरे जानते हो ना, सेम टू यू। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, सब में देखो ए बी सी सब में ये लगा रखा है। तो बताओ प्रत्येक परिधि वाले में कितनी नलिकाएं हैं? तीन। तो नौ परिधीय त्रिक तंतु, इसको त्रिक तंतु कहते हैं या इसको कहते हैं ट्रिपलेट। अच्छी तरह गौर करना भी है। बताओ परिधि पर कितने हैं? नौ। केंद्र में कितना है? एक। इसे कहते हैं 9+1 व्यवस्था। यानी कि भैया तारक केंद्र के अंदर कौन सी व्यवस्था है भैया? 9+1। नौ, 9+1 का 9+1 कर दिया है। परिधि पर नौ तंतु और केंद्र में एक। देखो यहां बताएंगे क्या भैया, ये यहां भी बोल दिया एक केंद्रीय तंतु। देख लो कोई समस्या हो, फिर सुन लो यहां तक। देखो सबसे पहले आज का टॉपिक तारक का है, सेंट्रोसोम। पढ़ रहे भैया ध्यान देना, अरे अपने आप समझ में नहीं आएगा, ये समझना ही पड़ेगा बोर्ड पे। तारक का है सेंट्रोसोम, खोजकर्ता कौन है? टी बोवेरी। किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में। फिर बताया भैया बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, कोई झिल्ली नहीं है। देखो इसमें हमने ये अंदर से बनाया तो बाहर निकाला तो कोई झिल्ली है ही नहीं, द्रव है बाहर बस, कोई झिल्ली नहीं है। बिना झिल्ली वाला कोशिकांग स्थिति कहाँ है भैया? जंतु कोशिका में, केंद्रक के समीप, केंद्रक के ऊपर ये पाया गया। तारक काय में अंदर कितने कण दिखाई दे रहे भैया? अंदर कण कितने भैया? दो। इनका नाम क्या है? तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र, सेंट्रियोल। तारक काय का नाम है सेंट्रोसोम और तारक केंद्र का नाम है सेंट्रियोल। तारक काय सेंट्रोसोम और तारक केंद्र सेंट्रियोल। अब दो सेंट्रियोल जो अंदर पाए थे वास्तव में ऐसे गोल नहीं होते, बेलनाकार होते हैं। देखो ये बेलनाकार है और कितने डिग्री पर भी देखो, एक खड़ा है तो एक आड़ा है, एक सीधा है तो एक आड़ा जा रहा है भैया 90 डिग्री पर। और चारों तरफ रंगहीन भाग होता है, रंगहीन द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर, परिकेंद्रीय द्रव। क्या झिल्ली पाई गई? नहीं पाई गई। अब तारक केंद्र के अंदर की संरचना क्या भी है इसका? ये तारक केंद्र ये वाला बता रहे भैया, ये तारक केंद्र, इसको 90 डिग्री पे काटा। अरे 90 डिग्री के कोण पर तो दोनों है, पर इसकी भी अंदर की संरचना देखनी है तो इसको समकोण पे काटेंगे, अनुप्रस्थ काट। अब अनुप्रस्थ काट में क्या दिखाई दिया भैया? नौ। तो क्या पाएंगे? नौ परिधीय त्रिक तंतु, नौ परिधि पर तंतु है और हर किसी में कितनी नलिकाएं? ए बी सी तीन नलिकाएं। तो नौ परिधीय त्रिक तंतु और केंद्र में कितना है भैया? एक। अब आगे ध्यान देना भैया, अब ये सब आपस में जुड़े हुए, एक का ए दूसरे का सी। देखो इस वाले का ए और दूसरे वाले का सी, ये जुड़ गए। देखो फिर इस वाले का ए दूसरे वाले का सी, फिर देखो इस वाले का ए दूसरे वाले का सी, फिर इस वाले का ए इस वाले का सी, फिर इस वाले का ए इस वाले का सी जोड़ेंगे भी इस तरह से, सब जुड़ रहे हैं। देखो इस वाले का ए इस वाले का सी, फिर इस वाले का ए इस वाले का सी, इस वाले का ए इस वाले का सी, इस वाले का ए इस वाले का सी। देखो इस तरह की संरचनाएं भैया हो, इस तरह की संरचना पाई गई और जिनसे जुड़े हैं ना, देखो ये एक का ए अगले का सी, जिससे जुड़े भैया अंतरात्रिक सेतु ब्रिज। अरे ये वाला त्रिक और ये वाला त्रिक दोनों जुड़े हुए हैं तो जिससे जुड़े हैं भैया इसका नाम है अंतरा त्रिक सेतु। बाहर वाले परिधि त्रिक है भैया, आपस में काय से जुड़ रहे हैं? अंतरा त्रिक सेतु। बताओ परिधि पर कितने हैं? नौ। केंद्र में कितना है? एक। तो इसकी व्यवस्था को क्या कहते हैं? 9+1 व्यवस्था। भाई ये काय का डायग्राम है ये वाला, ये चित्र है भैया तारक केंद्र, ये तारक केंद्र का चित्र है। तारक केंद्र को क्या कहते हैं भैया? सेंट्रियोल। देख लो कोई दिक्कत हो,
तो देखो 9+1 व्यवस्था, 9+1 का अर्थ क्या है, 9 परिधीय तंतु, 1 केंद्रीय तंतु। परिधि पर जो 9 पाए गए वो कैसे हैं, त्रिकियां, ट्रिपलेट, हर किसी में ए बी सी 3 नलिकाएं पाई गई। एक का ए दूसरे के सी से जुड़ेगा, ये ए सी से जुड़ेगा, ए सी से जुड़ेगा, सब जुड़ गए। तारक केंद्र की संरचनाएं, और हर किसी का ए, जो ए होता है भैया, देखो हर किसी का यहाँ क्या बताएंगे भैया, कोई भी तंतु होगा, हर किसी का नीचे वाला तंतु कौन सा, सी, ये सी वाला जो होगा ये केंद्रीय तंतु से भी जुड़ेगा। देखो इस तरह से, ये इस तरह से जुड़ेगा भैया। अब इनकी नंबरिंग तो हटा देते, देखो ये नंबरिंग हटा देते, अब इसकी जरूरत नहीं है भैया, अब तो पता पड़ गया, नंबरिंग हटा दी, अब काय की जरूरत है। अब देखो हर किसी का जो सी होगा ना भैया, वो केंद्रीय तंतु से जुड़ेगा इस तरह से, इस तरह से। ये इस तरह से जुड़ता जा रहा है भैया, ये जुड़ गया भैया, ये थोड़ी डिजाइन बना दी। अब ये जो केंद्रीय तंतु है सी वाले से जुड़ रहा है, तो इसका नाम है भैया अर्यदंड, अर्यदंड बोल दो, या इसको तान बोल दो, तान। अरे साइकिल के पहिए में तारे होती है ना, साइकिल के पहिए में तारे नहीं होती क्या, वही है। इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, स्पोक्स, स्पोक्स कहेंगे इंग्लिश में। अब बन गया भैया पूरा तारक केंद्र की संरचना, फिर सुन लो क्या क्या बताया। देखो तारक का है सेंट्रोसोम, खोज करता टी बोवेरी, अब मिटाता भी जा रहा हूं भैया, यहां चलो पहले सुन लो, खोज करता टी बोवेरी केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका, कुछ पौधों में भी होता है, शैवाल और कवक, घटिया पौधे। इसके बाद देखो बिना झिल्ली वाला कोशिकांग, भले इसमें देखो केंद्र के ऊपर बनाया, लेकिन भैया बिना झिल्ली वाला है, इस केंद्र के ऊपर बनाया बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, झिल्ली नहीं होती है, राइबोसोम और तारककाय में झिल्ली नहीं होती। फिर बताएंगे भैया तारककाय में 2 तारक केंद्र उपस्थित, तो देखो तारककाय के अंदर 2 कण है, ये तारक केंद्र कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इसका असली डायग्राम ये वाला है, असली डायग्राम है केंद्र के ऊपर, ये बता दिया। देखो अंदर 2 तारक केंद्र है ये वाले, ये बेलनाकार होते हैं, देखो ये लंबा एक आड़ा 90 डिग्री पर होते हैं, और बाहर कोई झिल्ली नहीं होती है, रंगीन भाग होता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, परिकेंद्रीय द्रव। फिर ये जो तारक केंद्र पाया गया इसको हमने 90 डिग्री पर काटा, अनुप्रस्थ काट, इसमें कौन सी व्यवस्था पाएगी, 9+2 यानी 9 परिधीय त्रिक तंतु है। देखो 9 परिधि पर है, 9 परिधि पर पाएगी और केंद्र में 1, तो कहेंगे क्या, 9+1 व्यवस्था, ये 9+1 व्यवस्था होगी। अब परिधि वाले तंतु कहते हैं भैया त्रिक, त्रिक मतलब ट्रिपलेट, ये ए बी सी 3 हो गए तो त्रिक तंतु, परिधि पर है तो परिधि है, और कितने स्थानों पर भैया, ये कितने स्थानों पर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो 9 है परिधि पर है, त्रिक तंतु है, केंद्र में 1 तंतु पाएगा। देखो ये वाला ये केंद्रीय तंतु बता रहे भी यहां से, ये केंद्रीय तंतु, 9 परिधि पर 1 केंद्र में, बताओ कौन सी व्यवस्था, 9+1। और परिधि वाले कैसे जुड़ेंगे, एक का ए अगले का सी, फिर एक का ए अगले का सी, ऐसे जुड़ गए। अब सभी का सी वाला, देखो सी वाला कैसे जुड़ रहा है, केंद्र वाले से जुड़ रहा है, किसके द्वारा, अरिय दंडिया तानिया स्पोक्स, यानी कि ताड़िया, साइकिल के पहिए की तारे होती है वो। ये डायग्राम हो गया भैया तारक केंद्र का, देख लो कोई समस्या हो पहले यहां तक देख लो भाई, यहां तक कोई समस्या हो तो देख लो। अब ये जंतु कोशिका का डायग्राम तो हटा देते हैं भैया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, अपने को तो किससे मतलब है, तारक का ऐसे। अब बताओ भैया ये डायग्राम किसका है, ये तो है तारक का है, ये तो तारक का है,
ये तारकाय का चित्र है और ये अंदर क्या है, तारक केंद्र, ये तारक केंद्र का डायग्राम। इसकी तुलना, ये जो डायग्राम बनाया है, इसकी तुलना बैलगाड़ी के पहिए से की जाती है, बैलगाड़ी का पहिया। तो अगला पॉइंट क्या है भैया, अब देखो तारक केंद्र में कौन सी व्यवस्था पाएगी वो बोलनी दिया। तारक केंद्र में 9+1 व्यवस्था पाई जाती है, तो 9+1 व्यवस्था पाई जाती है। 9+1 इसका अर्थ क्या है भैया, 9 परिधीय त्रिक तंतु, 9 परिधीय त्रिक तंतु है और एक क्या है भैया, एक केंद्रीय तंतु। देख लो कोई दिक्कत हो, 9+1 कर दे, 9 परिधीय त्रिक तंतु, 1 केंद्रीय तंतु। वर्णन इतना सही दे रखा आपकी किताब में भी भैया, लेकिन डायग्राम में, जब तक डायग्राम दिमाग में नहीं बैठे जब तक बेकार है। देख लो कोई समस्या हो। फिर इस तारक केंद्र का देखो, इसका कोई कुछ है, इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है इसका, कार्य जब एक कोशिका दो भागों में बढ़ती है, कोशिका विभाजन, उस समय ये गुणसूत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। लाइसोसोम तो अलग करने का काम, ये गुणसूत्रों को व्यवस्थित करते। तो इनका कार्य होता है भैया, मेन कार्य तर्कु तंतु का निर्माण, यानी गुणसूत्र जिन तंतुओं से जुड़ते हैं वो तर्कु तंतु। तो क्या बताएंगे भाई, कार्य कोशिका विभाजन में सहायता, कोशिका विभाजन में सहायता, या इसकी एक ऐसे ले सकते भैया, कोशिका विभाजन में कुछ तंतुओं की जरूरत पड़ती है तो तर्कु तंतु का निर्माण। कोशिका विभाजन में देखो, कोशिका विभाजन में सहायता और उसमें भी कुछ तंतुओं की जरूरत पड़ती है, तो उन तंतुओं का नाम क्या है, तर्कु तंतु। कार्य भी हो गया, एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो भैया। हो तो देखिए, ध्यान देना भैया, यहां तक पढ़ा था, देखो फिर सुन लो, देखो एक बार। खोजकर्ता टी बोवेरी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, फिर बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है और भैया ये केंद्र के समीप पाया जाता है, केंद्र के समीप भी होता है। फिर बताया भैया, तारक काय में जो होता है दो तारक केंद्र, देखो ये तारक काय का डायग्राम है, दो तारक केंद्र है, कोशिका में कहां होता है, जंतु कोशिकाओं के पास में। फिर ये दो तारक केंद्र हो गए, बाहर झिल्ली नहीं है, बाहर रंगीन बाग है, नाम है सेंट्रोस्फीयर, परी केंद्रीय द्रव। फिर तारक केंद्र जो होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, बेलनाकार होते हैं। तारक केंद्र का 90 डिग्री पे काट लिया गया, अनुप्रस्थ काट लेते हैं, लंबाई में काटेंगे लंबवत काट, 90 डिग्री पे काटेंगे अनुप्रस्थ काट, इस तरह से। फिर
इसे अनुप्रस्थ काट में देखो क्या बताएंगे, इसके अंदर तारक केंद्र के अंदर 9 तो परिधीय त्रिक तंतु पाए गए, 9 परिधीय त्रिक तंतु एक केंद्र में पाया गया, 9 परिधीय एक केंद्रीय, ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं भैया, तारक केंद्र में 9+1 व्यवस्था पाई जाती है, मतलब 9 परिधीय त्रिक तंतु एक केंद्रीय तंतु पाया जाता है। सब आपस में कैसे जुड़े हैं भैया, ए बी सी, परिधीय तंतु त्रिक होता है उसमें 3 नलिकाएं ए बी सी सब में पाई गई, और एक का सी अगले वाले के, देखो एक का ए अगले वाले के सी से जुड़ेगा, यहाँ सी वाला ए से जुड़ेगा, देखो कैसे ही बना दो, तो ये भैया ए वाला सी से जुड़ रहा है, सब में ऐसे ही जुड़ा, जिसके द्वारा जुड़ता है वो अंतरा त्रिक सेतु। अरे एक त्रिक दूसरे से जुड़ गया तो क्या कहोगे, एक त्रिक दूसरा त्रिक अंतरा त्रिक सेतु, जिसके द्वारा जुड़ता है अरिय दंडिया तान या स्पोक्स कहते हैं। फिर बताएंगे भैया केंद्र वाला जो होता है, ये केंद्र वाला भी सी से जुड़ रहा है, देखो जिसके द्वारा जुड़ा भी अरिय दंडिया तान कहलाएगा ये, और तारक केंद्र में व्यवस्था होगी, कार्य क्या है तारक केंद्र का, तारक काय का कोशिका विभाजन में सहायता, किसमें, पादप कोशिका या जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, क्योंकि पादप कोशिकाओं में तो होता ही नहीं है। और फिर इसका मेन काम होता है कोशिका विभाजन में कुछ तंतु या धागों की जरूरत पड़ती है, उनका नाम है तरकु तंतु। अब कार्य बोल दो, दो तरह से कोशिका विभाजन में सहायता, पर आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा भैया तरकु तंतु का निर्माण, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, लेकिन ध्यान देना आज ही एनसीईआरटी किताब खरीदना, जैसे स्कूल वगैरह खुलेंगे, अभी तो शिक्षा मंत्री ने तो मना कर दिया, देखो डाउट पूछने जा सकते हो, तो डाउट तो मैं ही कह रहा हूँ भैया, व्हाट्सएप मतलब कागज पे लिख के व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दो, हो जाएगा पूरा। एनसीईआरटी किताब की एक एक लाइन याद होनी चाहिए, जो नहीं है तो फिर मैं बैठा हूँ मेरे से पूछो ना, हालांकि मैंने एनसीईआरटी से 10-20% एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ, नीट के सारे 20 से 25 साल के पेपर ले आए मैं पूरे, मतलब 15 साल के हर साल और करा रहे हैं, लेकिन अभी फालतू बैठे हैं तो मैंने कहा चलो पढ़ ज्यादा करवा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अब ध्यान देना भैया थोड़ा अच्छे से सुनना हो, देखो किसी भी कोशिका, ये कोशिका बता रहे भैया, इस कोशिका में अगले सिरे से लंबा सा रोम निकलता है जिसका नाम है कशाबिका, कशाबिका, ये कशाबिका जहां से निकलती है उसका नाम होता है भैया आधारीकरण, ये आधारीकरण है, मतलब कशाबिका जहां से निकलती है आधारीकरण, ये आधारी कण जो होता है ना, ये भी तारक काय बनाता है, तारक केंद्र। एक तो मैंने बताया कोशिका विभाजन में सहायता मतलब तरकु तंतु बनाएगा, एक कशाबिका का आधारी कण बनाएगा। फिर देखो हमारा शुक्राणु होता है इस तरह से, ये शुक्राणु, अब जो शुक्राणु होता है ये शुक्राणु की जो पूंछ बनती है, ये शुक्राणु की पूंछ भी बनाता है तारक केंद्र। तो तारक केंद्र का मेन काम तो वो है कोशिका विभाजन में सहायता। देखो गुणस्त्रों को अलग करना हो तो लाइसोसोम, और गुणस्त्रों को केवल जोड़ना है तंतुओं से तो भैया ये करेगा तारक केंद्र। पूरा समझा दिया है, तारक काय, तारक काय के अंदर ये तारक केंद्र। अब क्या पॉइंट बाकी है वो समझना भैया, अच्छा किससे तुलना की थी इसकी, बैलगाड़ी के पहिए, तो भैया इसकी तुलना करते हैं किसकी, इसकी तुलना करेंगे तो किससे करेंगे, बैलगाड़ी के पहिए से, बैलगाड़ी के पहिए के समान है ये, बैलगाड़ी के पहिए के समान है। पर भैया नीट में अलग क्वेश्चन लिखाया, वहां था भैया कॉर्ट व्हील, बैलगाड़ी को कहते हैं कॉर्ट, अरे बुल कॉर्ट, बैलगाड़ी कॉर्ट और व्हील यानी पहिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इसकी तुलना भी, 9+1 व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, कार्य इंपॉर्टेंट है, बिना जीवियला कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है, और तुलना किससे करते हैं भैया, तारक केंद्र ये बैलगाड़ी का पहिया बनाया है, लेकिन वहां नीट में क्या लिखा है भैया, कोर्ट व्हील, कोर्ट मतलब बैलगाड़ी, व्हील मतलब पहिया, तो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, ये भी हो गया भैया। अब आगे की बात सुनना भैया,
अब देखो खास बात इसके आगे क्या है वो सुनना भी आ। अब इसके कार्यों की थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं अपन। कार्य क्या क्या बता रहे हैं। पहला कार्य लिख दिया भैया कोशिका विभाजन में सहायता। दूसरा भैया कशाभिका जो होती है किसी कोशिका होती है, इस कोशिका में कशाभिका होती है, कशाभिका का कण होता है अंदर, कशाभिका के अंदर कण होता है आधारी कण, उसका निर्माण। तो यहां लिखेंगे दूसरा कार्य, ये पहला कार्य, दूसरा कार्य कशाभिका के आधारी कण का निर्माण, कशाभिका के आधारी कण का निर्माण। देखो ये होती है कोशिका, कोशिका में से रोम निकल रहा है कशाभिका चलने के लिए, और उसके जहां से निकलती है आधारी कण, तो आधारी कण कौन बनाता है भैया, तारक का है, तारक केंद्र। इस आधारी कण का एक नाम है भैया, इसको कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, या इसका एक नाम और बता रहा हूं भैया, काइनेटोसोम। अरे आधारी कण का नाम क्या है भैया, आधारी कण का नाम क्या है, काइनेटोसोम या ब्लीफेरोप्लास्ट, बताओ कौन बनाएगा, तारक केंद्र बनाएगा, तारक काय बनाएगा। फिर तीसरा कार्य शुक्राणु की पूंछ का निर्माण, शुक्राणु की पूंछ भी यही बनाता है, तो यहां लिखेंगे भैया तीसरा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। तो देखो ये सारी विशेषताएं कार्य बता दी, ये तीन कार्य बता दिए भैया। क्या क्या कार्य, कोशिका विभाजन के समय या कोशिका विभाजन में सहायता उस समय तंतु बनाते हैं तरकु तंतु, इनसे गुणस्तर जुड़ते हैं। दूसरा कशाभिका, ये कोशिका में कशाभिका निकलती है रोम, इसके आधारीकरण का निर्माण, और आधारीकरण का नाम क्या है, काइनेटोसोम या ब्लीफेरोप्लास्ट। तीसरा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण, तीन कार्य इसके। और व्यवस्था कौन सी दिया, 9+2, तो ये 9+2 व्यवस्था पाएगी भैया, देख लो कोई समस्या हो तो। एक बार भैया दोबारा स्क्रीन शॉट ले, ताकि इसमें क्या है ये आ गया आपके, एक तो तुलना वाला वर्ड आ गया और एक ये वाला, बाकी तो नोट्स दे रखे हैं भैया, ले लो एक बार स्क्रीन शॉट वापिस। चले ध्यान दे केरल, स्क्रीन छोड़ दो फटाफट से ले लिया करो यार। एक बार केमिस्ट्री वाला भाई तुम्हारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री वाला को बोल लेना भैया साल भर यही टाइम रहेगा क्या, मैं तो वही टाइम लेता हूँ जो साल भर चलाता हूँ, क्योंकि वो बाद में या तो शाम को 6 बजे पढ़ाएंगे, या शाम को 5 बजे पढ़ाएंगे, या सवेरे 6 बजे पढ़ाएंगे। ये तो अपोलो वाले सवेरे 6 बजे पढ़ाते, और सुरेश गुजर जो है शाम को पढ़ाता है भैया 5 बजे, तो पहले पूछ लेना कि पूरे साल और पता ना कि अपन ने अभी तो टाइम चेंज करा फिर वापस परेशान हो रहे, क्योंकि आज नहीं तो महीने भर बाद 15 दिन बाद तो भैया ऑफलाइन क्लास तो चलेगी सही। हालांकि अपन ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाएंगे, जो भी या कोचिंग में आ सकता है वो कोचिंग में पढ़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन तो पढ़ाएंगे सही। क्या कुछ व्यक्ति थोड़े यूं सोचते हैं दूसरों को परेशान करें, तो दिमागी तौर पे समझते भी आप क्या होते, हालांकि कोई इलाज नहीं होता, ये भी एक जो दिमागी बीमारी होती है लाइलाज बीमारी होती है, जो बार बार टाइम चेंज करते हैं। चले ध्यान देना भैया, तारक काय तो हो गया भैया, अब तारक काय के बाद सुनना भैया, छोटे छोटे दो टॉपिक पढ़ा देता हूं। अब अगला है भैया इसमें साइटो पंजर, पंचर नहीं पंजर, या इसको कहते हैं भैया साइटो स्केल्टन। साइटो यानी कोशिका, स्केल्टन का अर्थ है कंकाल। अरे साइटो पंजर कोशिका का कंकाल, हमने अंतःप्रदयी जालिका को भी बोला था,
फिर ये भी बता रखा है भैया, तो देखो इसको कहते हैं भैया एक तरह से कोशिका का कंकाल, ये कोशिका का कंकाल है भैया, साइटो पंजर, साइटो स्केल्टन। क्या होता है भैया, किसी कोशिका के अंदर ये केंद्र आसपास कोशिका द्रव भराए भैया, ये कोशिका द्रवी है। इस कोशिका द्रव में भैया प्रोटीन की नलिकाएं पाई जाती है, ये प्रोटीन की नलिकाएं, प्रोटीन की विस्तृत नलिकाएं पाई जाती है भैया इसके अंदर, यानी कोशिका द्रव में प्रोटीन से बनी विस्तृत जालिका व संरचनाएं पाई जाती है। तो कोशिका द्रव में प्रोटीन से बनी विस्तृत जालिकावत संरचनाएं पाई जाती है भैया, कहाँ पाई जाती है याद रखना भैया, कोशिका द्रव में प्रोटीन से बनी विस्तृत जालिकावत संरचनाएं पाई जाती है, और इन्हीं को कहते हैं भैया कोशिका का कंकाल या साइटोपंजर। कोई डायग्राम नहीं है भैया, कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल क्या बोलेंगे, अरे अंतःप्रद्रव्य जालिका ही है वास्तव में तो, पर भैया नीट में इस नाम से है साइटोपंजर, अपनी एनसीईआरटी किताब में भी दे रखा है। देखो ये कोशिका, कोशिका में केंद्र, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन से बनी विस्तृत जालिका व संरचनाएं पाई जाती है, इनका नाम है भैया कोशिका कंकाल साइटोपंजर, ये साइटोपंजर। और क्या करती है भैया, इनके कोई पूछे भैया कार्य क्या है, कोशिका को सहारा देंगी कंकाल है, तो भैया पहला लिखेंगे यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, बताओ किसको, ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करेंगे भैया, यांत्रिक सहारा मतलब मजबूती, मजबूती देंगे भैया ये इस तरह से। फिर दूसरा, कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक दफा आप मरियल हो रहे ऐसे, अरे भैया यदि हाथ पैर में हड्डियां होंगी तो चलेंगे, ऐसे ही कोशिका को यांत्रिक सहारा दे रहे भैया। दूसरा है ये गति में सहायक, यदि कोशिका को गति करनी होगी तो उसमें सहायता करेगी भैया, गति में सहायक है ये। तीसरा भैया कोशिका के, देखो ये रहेंगी तो कोशिका फूली भी रहेगी, कोशिका का आकार रहेगा, तो तीसरा भैया कोशिका को आकार प्रदान करना, कोशिका को आकार प्रदान करना, तो देखो ये आकार भी दे देगी। तो देखो क्या क्या बताया, दोबारा सुन ले, साइटोपंजर, क्या है साइटोपंजर, देखो साइटोपंजर भैया कोशिका द्रव में प्रोटीन से बनी, ये कोशिका द्रव भैया प्रोटीन से बनी विस्तृत जालिका व संरचनाओं को क्या कहते हैं, इनका नाम है भैया कोशिका कंकाल साइटोपंजर। कार्य क्या है भैया, कोशिका को मजबूती देंगे तो यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा करते हैं मजबूती देना। दूसरा भैया गति में सहायक, कोशिका फूली भी रहेगी तो चलेगी भी सही, कोशिका चलती है क्या, चलती है, उदाहरण दे रहा हूं अमीबा युगलीना, ये कोशिका है, एक कोशिका, एक कोशिका वाले प्राणी है अमीबा, चलता है भैया, तो कोशिकाएं चलती है, उनको यांत्रिक सहारा मिलता है, मजबूती मिल रही है, गति भी होती है, और फिर बता रहे हैं कोशिका जो होती है उसको आकार भी देते हैं। ये साइटोपंजर इतना सही है भैया, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, चाहो तो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया ये भी हो गया, साइटोपंजर इतना सही है, एनसीईआरटी किताब दे रहा भैया। इसके बाद देखो क्या पढ़ने रहे, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा रहा हूं भैया, छोटा सा टॉपिक पढ़ाए, अच्छा वीडियो वगैरह सब देख लेना भैया, जो नए बच्चे जुड़े हैं भैया कल से भी वो वीडियो देख लेना, नहीं तो बाद में क्या, पुराने वीडियो देख लेना भैया, चले ध्यान देना भैया। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देता हूं, यहां तक के मैंने नोट्स भेज रखे हैं भैया आपको, यहां तक के नोट पढ़ लेना, इसके आगे के नोट्स आज आ जाएंगे, अभी तो लेसन में 4 दिन लगेंगे, 4-5 दिन, 4 दिन तो लगेंगे, सही 5 दिन लगेंगे। अब अगला है भैया एक टॉपिक और छोटा सा,
अंतर झिल्ली का तंत्र, अंतर झिल्ली का तंत्र आ जाएंगे इसके नोट्स। क्या होता है सुना, वे कोशिकांग, देखो कोशिका के अंदर वे कोशिकांग, देखो ये केंद्रक के अंदर, यहां बताइए अंतःपृतवी जालिका, इस अंतःपृतवी जालिका से बनता है भैया ऊपर की तरफ गोलजीकाय, गोलजीकाय, फिर गोलजीकाय से अलग होते तो बनते हैं लाइसोसोम, यही बता रहे हैं। देखो ये कोशिका, कोशिका के अंदर अंतःपृतवी जालिका, अंतःपृतवी जालिका ER, इससे बनेगा गोलजीकाय, गोलजीकाय से बनेंगे लाइसोसोम, तो सभी आपस में संबंधित है। तो वे कोशिकांग जो आपस में संबंधित होते हैं उन्हीं से बनता है अंतर झिल्ली का तंत्र। तो यहां बताएंगे क्या, वे कोशिकांग जिनके कार्य, जिनके कार्य अंत संबंधित होते हैं, जिनके कार्य अंत संबंधित होते हैं उन्हें अंत झिल्ली का तंत्र कहते हैं, अंत झिल्ली का तंत्र कहते हैं। अरे भैया वे कोशिकाएं जिनके कार्य जुड़े हुए आपस में अंत झिल्ली का तंत्र कहते हैं। जैसे भैया अंतर्वदी जालिका प्रोटीन बनाएगी, गोलजीकाय में जाएगा, वहां से लाइसोसोम बनेगा। तो उदाहरण दे रहे हैं क्या, एक है भैया अंतर्वदी जालिका, दूसरा भी है इसके अंदर गोलजीकाय, तीसरा भैया लाइसोसोम, इसमें एक और जोड़ रहा हूं भैया चौथा है रिक्तिका। इन चारों के, ये चारों आपस में अंतर संबंधित है, जो इनसे नहीं समझ में आता है वो रिक्तिका में जाके जमा हो जाता है। तो देखो क्या बताया, वे कोशिकांग जिनके कार्य अंतर संबंधित होते हैं उन्हें अंतर झिल्ली का तंत्र कहते हैं। उदाहरण अंतःपृतवी जालिका, गोलजीकाय, लाइसोसोम और रिक्तिका, इनके कार्य आपस में जुड़े हुए भैया। तो जब इनके कार्य जुड़े हुए हैं तो इन सभी को मिला के क्या कहेंगे भैया, अंतर झिल्ली का तंत्र। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, नोट्स तो आ जाएंगे इसके, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका भी। चले ध्यान देना भैया, अब मेरी बात सुनना, जो आज मैंने आपको तारक केंद्र पढ़ाया उसको पढ़ के रखना, कल उसी से जुड़ा हुआ पढ़ेंगे अपन, कशाबिका पढ़ेंगे, तो वो पूरा का पूरा है। जैसे मैंने तारक केंद्र बताया वैसे कशाबिका पढ़ाएंगे, और भैया कोशिश करेंगे कल से अपन फिक्स 10 बजे ही शुरू कर दें, या कुछ ऐसा करेंगे मतलब, ताकि अपने 1 घंटा पूरा मिल जाए। 11 जो बच्चे 11 बजे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि उनके बीच में अपन तो भैया कम से कम अच्छा काम करें, दूसरे से क्या मतलब अपने को। ठीक है भैया, आज के लिए बहुत है, लेकिन मतलब वो तारक केंद्र पढ़ के रखना, सेम वही संरचना आएगी, थोड़ा अंतर आएगा। ठीक है भैया, बाय।